गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डेमो लेक्चर है अर्थक्वेक एंड सिस्मोलॉजी। तो शुरू करते हैं। अर्थक्वेक को समझने से पहले कुछ बातें जानना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली है, एक बात ये कि जो अर्थ सरफेस है उस पर दो तरीके के फोर्सेस काम करते हैं। जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं पृथ्वी पर, उनको क्रिएट करने के लिए दो तरीके के बल काम करते हैं। एक होते हैं जो वो होते हैं एंडोजेनेटिक, एक होते हैं एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक का मतलब यह है जो पृथ्वी के अर्थ जो सरफेस है उससे सरफेस से ये सरफेस है सरफेस से नीचे जो बल काम करते हैं उन्हें कहते हैं एंडोजेनेटिक, और जो सरफेस के ऊपर हमें दिखाई देते हैं जो फोर्सेस काम करते हैं उन्हें कहते हैं एक्सोजेनेटिक। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस में एक आ जाते हैं अर्थक्विक, दूसरा वल्केनो। जो वल्केनो मैंने जो करवा दिया है, अर्थक्विक का हम आज पढ़ेंगे। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को हम अलग से स्टडी करते हैं, जिनसे लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, जैसे जैसे विंड है, जैसे कास्ट टोपोग्राफी है, जैसे कोस्टल लैंडफॉर्म है, तो और ग्लेशियर लैंडफॉर्म है, पेरी ग्लेशियर लैंडफॉर्म है, ये सारे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के परिणाम हैं। तो अर्थक्वेक जो है वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस का परिणाम है। दूसरी चीज़ इसमें जानने वाली यह है इम्पॉर्टेंट कि कल मैंने आपको बताया था अर्थ के इंटीरियर के बारे में, जब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं, अर्थ की जो है डेंसिटी अलग अलग होती है। सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, फिर नीचे है मेंटल, और सबसे नीचे है बीच में कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं इनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो ये बात ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि जब एक कोई यहाँ पर एक पदार्थ है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरा पदार्थ उसका वॉल्यूम बराबर है, उसका आयतन बराबर है, लेकिन उसकी डेंसिटी कम है। इसकी डेंसिटी हाई है, इसकी डेंसिटी लो है। तो जब ये दोनों पदार्थ आपस में जब ये रोटेट करेंगे तो इनकी स्पीड सेम होगी या अलग होगी? तो जाहिर सी बात है इनकी स्पीड अलग अलग होगी। तो यही स्थिति हो रही है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। कैसे? यानी कि क्रस्ट की डेंसिटी अलग है, वो भी मूव कर रही है पृथ्वी के रोटेशन के कारण। मेंटल की स्पीड भी अलग है, वो भी रोटेट कर रहा है पृथ्वी के मूव कर रहा है रोटेशन के कारण, और कोर भी रोटेशन के कारण मूव कर रहा है, लेकिन इनकी स्पीड अलग अलग है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ एस्थेनोस्फेयर पे मैंने आपको बताया था, एस्थेनोस्फेयर क्या है? एस्थेनोस्फेयर क्रस्ट का जो 100 किलोमीटर तक का जो ये पार्ट है, और जहाँ से मेंटल का अपर पार्ट स्टार्ट होता है 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक, एस्थेनोस्फीयर जहाँ पे क्रस्ट और मेंटल है, वहाँ पर डिफरेंशियल मूवमेंट होता है, यानी विशेषक गति। जब दो प्लेटें गति असमान रूप से करती है तो उन्हें कहते हैं विशेषक गति। इसके परिणाम से क्या होता है, दोनों में फ्रिक्शन होता है और एक एनर्जी जनरेट होती है जिसे कुछ कंपन महसूस की जाती है पृथ्वी के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे और इंटीरियर पार्ट में चूंकि हम रहते नहीं हैं तो इसलिए हमें जो कंपन है वो महसूस होती नहीं है। तो हम सरफेस पे रहते हैं इसलिए हमें सरफेस पे कंपन महसूस होती है, जिसे हम कहते हैं भूकंप। और इसकी स्टडी जिस फील्ड में की जाती है उसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। तो अर्थक्वेक एक कंपन है और सिस्मोलॉजी उसकी स्टडी एरिया है। ठीक हो गया, यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी है। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे, जैसा भी मैंने बताया, अथवा धरातल के ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में क्षणिक परिवर्तन या क्षणिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं। क्योंकि अर्थक्वेक क्या है, सडन फोर्स है। जैसे कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे, ओरोजेनेटिक फोर्स जिन्हें हम कहते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल, जो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन ये कैसे फोर्स होते हैं, ये सडन फोर्सेस जिन्हें हम कहते हैं अर्थक्विक और वल्केनो। इसी चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, एन अर्थक्विक इज ए वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय ए ट्रांजिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलास्टिक और ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉक्स एट और बीनीथ ऑफ द सरफेस। एन स्ट्रॉलर ने ये डेफिनेशन दी है। इसके बाद कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी होती है अर्थक्विक में, उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है जिसका नाम है, एक मिनट में ये कलर चेंज करता हूँ, जिसका नाम है यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, ये फोकस या हाइपोसेंटर। देखिए, फोकस या हाइपोसेंटर क्या होता है? फोकस या हाइपोसेंटर का मतलब है जहाँ से अर्थक्विक का ओरिजिन हो रहा है उस ओरिजिन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर कहते हैं। दूसरा
जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है वो है अगला एपिसेंटर। एपिसेंटर का मतलब यह है क्रस्ट की अर्थ जहाँ से फोकस से हाइपोसेंटर से ओरिजिन हुआ और सबसे पहले जहाँ पर भूकंप की लहरें यानी अर्थक्वेक की जो सिस्मिक वेव्स जिन्हें हम कहते हैं वो महसूस की गई उसे कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर सबसे पहले पहुँचने वाली जहाँ पर सिस्मिक वेव है उस एरिया को एपिसेंटर कहते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एंटीपोड, ये लिखा है एंटीपोड। एंटीपोड का मतलब यह है एपिसेंटर के ठीक विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जब सिस्मिक वेव पहुंचती हैं तो उसे कहते हैं एंटीपोड, कहते हैं एंटीपोड। ठीक हो गया फ्रेंड। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 102 डिग्री से 143 डिग्री, इसका बीच का मैंने ये पार्ट जो है इसको शेडो किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है सभी को पता है, अभी इनका आगे नीचे डिस्क्रिप्शन इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर अभी फटाफट से थोड़ा समझ लेते हैं कि जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, तीन तरह की वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव या एल वेव्स जिन्हें हम कहते हैं। तो जो प्राइमरी वेव्स होती हैं उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और वो जो सॉलिड पार्ट है और जो लिक्विड पार्ट है और उन दोनों में मूव कर सकती हैं। तो जब प्राइमरी वेव्स आती हैं तो कोर हमारा कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, तो उस कोर को वो पार करते हुए और उसके सरफेस तक फोकस से होते हुए एंटीपोड तक चली जाती हैं। ये प्राइमरी वेव्स आई, ठीक हो गया। 143 डिग्री के एंगल तक ये प्राइमरी वेव्स, यहाँ से अगर हम देखेंगे 143 डिग्री के एंगल पर ये प्राइमरी वेव्स पहुँच जाती है। ये प्राइमरी वेव्स का एरिया है। अब कलर चेंज करके देखते हैं। इसके बाद जब दूसरी सेकेंडरी वेव्स जब निकलती है, क्योंकि सेकेंडरी वेव्स की जो स्पीड है वो प्राइमरी वेव से कम होती है और वो जो कोर वाला एरिया है उस कोर वाले एरिया को पार नहीं कर पाती है, तो वो कोर वाले जब एरिया को पार नहीं कर पाती है तो इन दोनों के बीच में एक खाली जगह रह जाती है जहाँ पर कोई भी भूकंप महसूस नहीं किया जाता। इस एरिया को यहाँ पर कोई भी भूकंप महसूस नहीं किया जाएगा तो इसको कहा जाएगा शेडो जोन। तो इस एरिया को क्या कहेंगे, शेडो जोन। तो इसका जो अभी मैंने यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है 102 डिग्री से 143 डिग्री के एंगल पर शेडो जोन होता है, इसको याद रखेंगे। ये पी वेव का शेडो जोन है, सॉरी एस वेव जो सेकेंडरी वेव्स होती है उसका शेडो जोन है। इसके बाद नीचे इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद जो नीचे यहाँ पर कुछ भूकंप के कारण दिए गए हैं, रीज़न ऑफ अर्थक्वेक, इससे पहले एक बात समझा दूँ कि देखिए अर्थक्वेक और भूकंप यानी कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और इसके बाद जो सुनामी, एक हो गया भूकंप, इसके बाद है सुनामी और ज्वालामुखी। इन तीनों का तीनों की उत्पत्ति एक ही तरीके से होती है। कैसे कि जब अर्थ सरफेस, देखिए जब यहाँ पे सरफेस है, मान लीजिए अर्थ सरफेस है, सरफेस काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटा है, इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसके वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ से कोई, कलर चेंज करके बताते हैं कि यहाँ से कोई वेव्स चली, तो वेव्स चलने के बाद ये अर्थ सरफेस को फोल्ड करके बाहर नहीं निकल पाई, तो यहाँ पे केवल सिस्मिक वेव्स यानी कि जो लहर है, कंपन है, वो महसूस की जाएगी, तो वो कहलाएगा भूकंप। और यही सिस्मिक वेव्स जब पतली सी क्रस्ट को फोल्ड करके बाहर निकल जाएंगी, जब इस क्रस्ट पतली होगी और उस क्रस्ट को फोल्ड करके बाहर निकल जाएंगी तो वो कहलाएंगी ज्वालामुखी। और यही सिस्मिक वेव्स जब समुद्र के नीचे आएंगी, महासागरों के नीचे, तो वो कहलाएंगी सुनामी। इन तीनों में ये छोटा डिफरेंस है जो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद जो भूकंप आने के कारण हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला है वॉल्केनो। वॉल्केनो आप सभी को पता है, जब अभी मैंने अभी समझाया कि जब वॉल्केनो आ रहा होगा, जब नीचे से लावा धक्का ऊपर की ओर क्रस्ट को फोड़ने के लिए लगा रहा होगा तो क्या होगा, तो उस समय पे ये फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। तो क्रस्ट को फोड़ते हुए वो धक्का लगाते हुए ऊपर बढ़ेगा जिससे भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। जो सुमात्रा में, जावा और सुमात्रा के बीच में क्राकातोवा में 1883 में ज्वालामुखी जो आया था, उससे उत्पन्न जो ऐसे वॉल्केनो है उनको ज्वालामुखी से उत्पन्न जो वॉल्केनो कहा जाता है। इसके बाद अगला है भूपटल में भ्रंशन, फॉल्टिंग। जब दो प्लेटें आपस में दूर जा रही होती हैं, एक प्लेट मूव कर रही है इधर, एक प्लेट मूव कर रही है इधर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है,
तो जब प्लेट जब टूटेगी तो दोनों में क्या होगा, कंपन महसूस की जाएगी, इसे फॉल्टिंग के कारण उत्पन्न हुआ भूकंप कहते हैं। भू संतुलन, जब भू संतुलन हो जाता है यानी कि इसे हम आइसोस्टेसी में पढ़ते हैं यानी समस्थिति, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब है कि जब पृथ्वी पर जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, एक तरफ भार ज़्यादा हो जाएगा और एक तरफ भार हल्का हो जाएगा, जिससे ये किसके कारण हो सकता है, हम कहीं पर डैम बना दे रहे हैं, हमने कहीं पर रिजर्वायर बनाए हैं, हम कहीं पर किसी चट्टान को फोड़ करके उसे समतल मैदान में बदल देते हैं, तो इसके कारण आइसोस्टेसी क्या होती है, इम्बैलेंस हो जाती है, इसके कारण फॉल्टिंग होती है, सॉरी आइसोस्टेसी डिस्टर्बेंस के कारण भूकंप आ सकते हैं, हाइड्रोलोड यानी जलीय भार के कारण हो सकता है, कहीं पे जल का भराव ज़्यादा हो गया, हमने वहाँ पे बांध बना के रोक दिया है, कंप्रेशन के कारण, डाना ने ये थ्योरी दी थी कंप्रेशन थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से भूकंप और ज्वालामुखी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से कैसे जुड़े हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मेनली जो किस तरीके की प्लेट, जो अभिसारी प्लेटें होती हैं, अभिसारी प्लेटें का मतलब है कन्वर्जेंस प्लेट जो एक दूसरे के पास आती हैं, जिनमें अभी सारी गति होती है, कन्वर्जेंस मोशन होता है, या फिर इन्हें डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के आसपास आती हैं तो उसके कारण क्या होगा, तो एक प्लेट जैसे कि मैंने पहले ज्वालामुखी में बताया था कि जब यहाँ से देखेंगे सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में क्या हो रहा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी यहीं पर देखे जाते हैं, वो उसका कारण ये है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई गैप होगा, और एस्थेनोस्फीयर में जहाँ पर ये दूसरी प्लेट यानी कि महासागरीय प्लेट हमेशा इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसके कारण ये महाद्वीपीय प्लेट यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, और वो जोन जहाँ पर ये महासागरीय प्लेट पिघल करके एस्थेनोस्फीयर में चले जाती है उसे कहते हैं बेनी ऑफ जोन, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, गैप होगा, जिसके कारण ये यहाँ से लावा आएगा और लावा बाहर नहीं आ पाया तो भूकंप महसूस किया जाएगा, यही कारण है सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, यहाँ पे मैप के माध्यम से भी समझाया गया कि सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसके बाद है एक थ्योरी दी गई है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, HF रीड। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया है कि जो कौन कौन से भूकंप है वो मेन इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, जैसे भुज में आया था भूकंप, जैसे कच्छ में आया भूकंप, जैसे कश्मीर में आया, जैसे बिहार में, असम में जो भूकंप आए, क्योंकि इनको हम जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला एरिया करते हैं तो उसके अंदर हम जितने भी डिज़ास्टर हैं, जैसे अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, जैसे सुनामी है, जैसे बाढ़ है, सूखा है, उनको हम सब एक जगह पे एक टॉपिक के अंदर उनको हम कवर करते हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे डिटेल में बताया, यहाँ पर हम भूकंप के मैकेनिज़्म को समझेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड। इसके बाद है अगला इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, HF रीड ने ये दी थी प्रत्यास्थ प्रश्चलन का सिद्धांत, इसमें उन्होंने बताया चट्टाने जो है रबड़ की तरह लचीली होती है, जो कि जिनमें जब तापमान बढ़ता है तो वो खिंच जाती हैं और रात में वो सिकुड़ती हैं, तो इस सिकुड़न और खिंचाव के कारण वो ढीली हो जाती हैं, और ये जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे होती है, अचानक नहीं होती है, लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता है कि चट्टानें टूट जाती हैं और जिसके कारण क्या है, भूकंप आते हैं, ठीक हो गया फ्रेंड। इसके बाद जो यहाँ पे बताया गया है कि 63%, जैसा कि मैंने अभी बताया था, 63% जो भूकंप हैं वो सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं, उसका कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, इनमें जो सागर व स्थल के मिलन बिंदु पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं प्रशांत महासागर और नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट, और इधर से यूरेशियाई प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट दोनों क्या कर रहे हैं, सागर और स्थल के मिलन बिंदु है, वहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। नवीन वलित पर्वतों के मिलन बिंदु पर, जैसे कि हमें पता है कि ये जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज़ और साउथ अमेरिका में एंडीज़ है, इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, तो सारे भूकंप जो है इन सारे नहीं मुख्यतः जो है भूकंप हैं मेनली वो इसी सर्कमपैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सागर स्थल के मिलन बिंदु पर और न्यूली फोल्डेड माउंटेन यानी नवीन वलित पर्वतों पर देखे जाते हैं, ज्वालामुखी क्षेत्रों के आसपास देखे जाते हैं, उसका कारण मैंने आपको भी समझा दिया। और कुछ मात्रा में जो भूकंप है यानी कि 21% जो अर्थक्विक है वो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में भी देखे जाते हैं, इसका मेनली कारण है कि जो आइसोस्टेसिक इम्बैलेंस जब हो जाता है तो मिड कॉन्टिनेंटल प्लेट में भी क्या है, भूकंप आ जाते हैं। ये जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है
ये कॉन्टिनेंट के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसमें ऊपर मैंने मैप के माध्यम से बताया भी, जिसमें यूरोप महाद्वीप के आल्प्स, एशिया के हिमालय पर्वत एवं म्यांमार की पहाड़ियाँ के में भूकंप और भूमध्य सागर के भूकंप क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र जो है पश्चिम में केप वर्डे, जो कि अटलांटिक महासागर में है, केप वर्डे से लेकर पुर्तगाल, भूमध्य सागर, आल्प्स के भूकंपों को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक पहुंचता है। ठीक हो गया फ्रेंड। अब इसमें है कुछ इंपॉर्टेंट, जो जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, जैसे सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। जो वेव्स होती हैं, जो कंपन महसूस की जाती है, उन्हें हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं, जिनमें तीन तरीके की वेव्स होती है मेनली। एक होती है प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल या साउंड वेव भी कहते हैं, जिन्हें हम पी वेव्स के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी जो वेव्स होती है, इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होगा कि ये ठोस और गैस, ठोस द्रव और गैस, गैस तो क्योंकि होती नहीं है इसलिए, यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही मूव कर सकती हैं। इनकी स्पीड जो यहाँ पर मैंने लिखी है 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन तरल में इनकी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है, धरातल पर ये सबसे पहले पहुँचती हैं। या यही कारण है कि कोर की जो डेंसिटी है 12 से 13, उसको भी ये पार करते हुए एंटीपोड तक पहुँच जाती हैं। अगली जो वेव्स हैं वो है सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं, जिन्हें ट्रांजर्व या लाइट वेव्स भी कहते हैं, जिन्हें शॉर्ट में हम एस वेव के नाम से भी जानते हैं। ये जो पार्टिकुलर जो मैटर होता है उसके समकोण पर चलती हैं, जिसके कारण इन्हें ट्रांजर्व वेव भी कहते हैं। इनकी स्पीड जो है यहाँ पर मैंने जैसे लिखा हुआ है 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक हो गया। जल भाग में ये क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। जलीय भाग में ये लुप्त हो जाती हैं, इन्हें डिस्ट्रक्चरल वेव भी कहते हैं। और अगली है जो सरफेस वेव या एल वेव्स। सरफेस वेव या एल वेव्स, जिनका जो नाम है, जो वैज्ञानिक थे लव, उनके नाम पर रखा गया है एल वेव्स, इन्होंने इनका पता लगाया था। केवल ये सरफेस पे चलती है, इसी कारण इन्हें सरफेस वेव भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा ये विनाशकारी होती हैं, क्योंकि मनुष्य जो है सरफेस पे रहता है, ये सरफेस पे चलने वाली वेव्स हैं, स्पीड इनकी कम होती है, लेकिन सरफेस पे चलने के कारण ये जो है विनाश सबसे ज़्यादा करती हैं। इसके बाद है पीजी और एसजी वेव। क्रेशिया की कल्पा घाटी में 1901 में इनकी जो है फाउंड इनको किया गया था। पी और एस के अलावा भी कुछ वेव्स होती हैं, जिन्हें पीजी और एसजी नाम दिया गया है। पी और एस के बीच में जो होंगी पीजी, जिनकी इसको ऐसे समझते हैं, अगर वो यह है पी वेव्स, यह है एस वेव्स, अगर इन दोनों के बीच की जो वेव्स हैं उनको कहेंगे पीजी और एसजी। अगर उनकी जो नेचर है वो पी के ज़्यादा पास है तो हमको पीजी कहेंगे, और उनका नेचर अगर एस के ज़्यादा पास है सेकेंडरी वेव्स के, तो हम एसजी वेव्स कहेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स। इसके बारे में मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी हुई है। इनकी गति क्रमशः 5.4 पर सेकेंड से लेकर 3.3 पर सेकेंड तक होती है। ऊपरी परत में ये भ्रमण करती हैं। इनका स्वभाव पी और एस के समान होता है, लेकिन गति में इनके कम होती हैं। कुछ अगली वेव्स होती है पी स्टार और एस स्टार वेव्स। ठीक है। इसे कोनार्ड महोदय ने इन्हें 1923 में इनके स्वभाव के बारे में बताया था। पी स्टार का मतलब है जो पी और पीजी के बीच की लहरें होती हैं, पी और पीजी के बीच की, तो उन्हें पी स्टार वेव्स कहते हैं। स्पीड इनकी है 6 से 7.2 किलोमीटर पर सेकंड। और एस वेव्स जो होती हैं वो एस और एसजी के बीच की होती हैं। इनकी स्पीड 3.5 से 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, इसके बारे में यहाँ पे बताया है कि रेडॉन गैस क्या है। कहीं पर भी अगर भूकंप आने वाला है तो वहाँ पर रेडॉन गैस जो है उसका एमिशन होने लगता है, जिससे 3-4 सेकंड पहले हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है, लेकिन 3-4 सेकंड पहले कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए इसका कोई इतना ज़्यादा खास महत्व नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक जो हैं इसके और इसमें खोज में लगे हुए हैं। सुनामी जैसे जापानी शब्द है, अगला जो है सुनामी, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि अगर सागरीय भाग में भूकंप आएगा तो उसे सुनामी कहा जाएगा। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट है जो आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन क्या है? समान भूकंपीय तीव्रता वाली, यानी मान लीजिए 7 रिएक्टर का भूकंप यहाँ पर महसूस किया गया, 7 रिएक्टर का यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पर सेम इंटेंसिटी
इंटेंसिटी जहाँ जहाँ पे सेम होगी उनको मिलाने वाली मैप में जो लाइन है उसे कहेंगे आइसोसिस्मल लाइन। दूसरा है होमोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मल लाइन का मतलब है एक समान समय में अनुभव किए हुए भूकंप को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल लाइन कहा जाएगा। यानी कि मान लीजिए 6 बजे यहाँ पर आया, 6 बजे यहाँ पर, 6 बजे यहाँ पर, 6 बजे यहाँ पर, 6 बजे यहाँ पर, और इनको मैप में हम मिला देंगे तो इस तरीके की लाइन कही जाएगी होमोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल में इंटेंसिटी और होमोसिस्मल लाइन में क्या टाइमिंग। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट डेमो लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और कुछ भी अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।